जमीन का मैटर है सर जी, हमारी जमीन को बेच दिया है अपनी जमीन को और हमारे में कब्जा इसमें बैल और बांध रखे हैं और इसके पास 17-18 मुकदमे हैं जिसके सामने कब्जा करता है। मेरा मोबाइल बाजार गया था सर, सब्जी की दुकान पे ये दिया, 5-7 मिनट के बाद उसके पास गया मैं। पापा आए हमारे घर वालों को गाली गलौज करके अपने लड़का को जबरदस्ती लेके चला गया। ये इसका हमारा विवाह चल रहा है सर, इस चिड़ता हमसे बहुत है। मकान बनाएगा वो रोड के आड़ी आड़ी की जमीन कब्जा कर रहा है, ये बार बार पलट जाते हैं कि हमको किराया नहीं देते। उसके बाद उन्होंने कहा हम किराया चेक से नहीं लेंगे, नगद लेंगे। अपने हिस्से की जमीन बिना बंटवारा किए बेच दी। ये भी सर मामला ये है कि हमारे गांव में एक तालाब है बड़ा सा, उसमें से एक नाला निकला हुआ था। अभी तब तक था हमारा मकान सब्जी में था वो सत्यनारायण तिवारी ने जमीन, कोई बात नहीं जमीन लिए साहब परेशान करे जब मंदरती थाने पहुँचाते है सर। लेकिन वो सर वो मेडिकल रिपोर्ट लेके जो कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट लेके आरोपी को दे दिए हैं। पुरानी दुश्मनी थी जमीन की, हमारा घर बटा हुआ है, धूम भरी जमीन है उस पर मतलब धुंधली पे गुंडाई करते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हर जगह जो है अप्लीकेशन दे चुके, ऑनलाइन कर चुके। बताइए क्या हुआ? कई बार अप्लीकेशन कहाँ दिए? हमको आवा गाड़ी दी ना, इतनी गंदी गंदी गाड़ी दी ना। बैठिए बैठिए बनते जी बैठिए, बताइए सर जी क्या। और ज़्यादा वो समझने की हमारी बिटिया बोली तब उसको लातन घूंसे इतना जोर मारा, इतना जोर कि 7-8 हज़ार रुपया उसको लगाया। भी का थाने गए थे आप? कौशाम्बी थाने गए थे? हाँ, क्या हुआ वहाँ से? कोई सुनाई नहीं हो रही सर जी। आपने एप्लीकेशन दी वो दिखाओ, जो वहाँ एप्लीकेशन दी उसकी कॉपी है? ये है तो, ये तो एसपी साहब के नाम लिखी है जो थाने पर जाके आपने दी होगी, वो कहाँ है एप्लीकेशन? कब गए थे आप थाने? वहाँ पर कम से कम 5-6 बार हो चुका सर जी, कोई सुनाई नहीं हो रही। कौन है सीईओ आपके? हाँ, क्या है, क्या दिक्कत है, बैठ के बताओ। हाँ, तो आप किसी अधिकारी को मिले नहीं मिले उसके बाद? सर मिले सर जी, कोई सुनाई हो ही नहीं रही सर जी। थाने के अलावा कहाँ मिले और किससे मिले? ये दरोगा जी थे, लगाना जरा अपने एसओ को फोन लगाइए जरा, जान मत डालो, कोई फर्क नहीं सर जी। अब गोली बंदूक से धमकी दे रहे हैं, जितना गोली चलाना हो चला लीजिए। कैसे लाइसेंसी है? हाँ लाइसेंसी है उनके पास, है उनके पास। कितने लोग हैं वो? अब वो लोग अब इसमें लिखा है सर जी, आप खुद ही देख लीजिए कितने आदमी भीड़ कर मारा है बिटिया हमारी। अब वहाँ पर सर जी कब्जा भी कर लिए, सर बात करेंगे आपसे, बैल उल बांधते हैं। नेहा रखो। हेलो हेलो, भैया भंते जी आए हुए हैं आपके यहाँ से, राम प्रकाश बौद्ध जी। इनकी बेटी को मारा पीटा गया, झगड़ा हुआ इनके साथ में, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं की आपने? हाँ, आए नहीं आपके पास? ये है भंते जी हैं, राम प्रकाश बौद्ध निवासी उरई। किसका हुआ चालान? किसका चालान हुआ? कोई मौके पर गया या नहीं? कोई मौके पर गया था? कौन गया था मौके पर? मौके पर सर ये है कमलेश सिंह दरोगा जी गए थे सर। कहाँ है आपके पास में वो? आपके पास में है? ये हमारे पास में आते सर, ये हमारे पास में आते। तो ये मारपीट हुई, इनका कोई मेडिकल कराया? ठीक है, अभी इनका जो है जो भी इन्होंने तहरीर थाने पर दी है उसको दर्ज कीजिए पहले वहाँ, ठीक है? हाँ, और उसके बाद इसमें कार्रवाई कीजिए, और जो ज़मीन का मामला है वो शनिवार को थाना दिवस पे लगाइए, ठीक है? देखिए ये आप इंश्योर करेंगे जितनी भी चीज़ें ना, ये दूसरा लाइए।
ठीक है, आज हो जाए इधर भाई आपकी। दूसरा नाम जोगराज सिंह, कौन है? आप ये ले लीजिए, बैठो आप उधर। जोगराज सिंह बैठो, क्या हुआ बताओ। सर इसमें पुरानी भी एप्लीकेशन, वो सजा यापत भी है सर जी, आज भी परेशान करता हमारे सामने। कितनी बार सजा पा चुका वो इसमें लिखा है कि सजा पाया कुछ दिन बाद छूट गया है, और इसके पास 17-18 मुकदमे हैं जिसके सामने कब्जा करता है, वो कोई बोलता नहीं इससे। मेरे सामने भी उठा लिया सर जी, निकलने की रास्ता पश्चिम से। आप ये तहसील दिवस पर गए थे? जी सर। क्या हुआ वहाँ से? वहाँ से कोई समाधान कुछ दिन रहा है, और फिर कल से परसों से फिर शुरू कर दिया काम से। अच्छा, उस समय हटा लिया उसने? हाँ, फिर काम शुरू कर दिया। हाँ, शुरू करे सर, आतंक करिए। ऐसे मामले में एक तो पाबंद कराया कीजिए। ये मामला भी ये है मंजनपुर का, ये है तो यहीं का सीओ मंजनपुर आप ही हैं। हाँ, तो ये देखिएगा, ये जब एक बार इन्हें बैठे रहो, वैसे एक बार जब इसको करा भी आए, उसके बाद में जो फिर आदमी बदमाशी करता है तो उसको फिर सीधा मुकदमा कायम कीजिए उसमें। और अगर पाबंद कराया पहले तो 122 की कार्रवाई कीजिए। फिर इस पर आप कवरिंग लेटर लगा के भेजते हो या ऐसे ही भेज देते हो एप्लीकेशन? आप जैसे यहाँ से भेजोगे एसओ को, सीओ को, अपना कोई लेटर बनाओगे? नहीं, चढ़ा के तो भेजोगे, इसके ऊपर कुछ लगाओगे लेटर एसपी साहब से साइन कराने के लिए, या सीधी एप्लीकेशन भेज देते हो? इसी पर मार्क कर देते हो? नहीं तो फिर उसकी ऑफिस कॉपी कैसे रहती है? आई जी आर एस पे डाल देते हो आप? ये सब आई जी आर एस पे दोगे सारे 100%? ठीक, ये भी मैं सीओ को ही दे रहा हूँ, सीओ क्योंकि ये बैठे हुए हैं। मैं लिख देता हूँ जांच उपरांत FIR, अगर जांच में इनकी बात सत्य पाती है तो FIR लिखेंगे। दूसरे नंबर पर 107-16 की कार्रवाई की चेक करेंगे कि क्या कित कहाँ तक पहुँची है। हाँ, नेक्स्ट लीजिए, हो जाएगा ये, सीओ साहब को बता दिए हो जाएंगे। शनिवार को आप थाने पर पहुंचिएगा, अगर ना हो तब तक तो शनिवार को थाने पर पहुंच जाइएगा। श्री प्रसाद सिंह बताइए क्या हुआ। अगले 3-4 रोल ले आओ, यहाँ बैठा दो। 16 तारीख को आ गया यहाँ, मेरा मोबाइल फिर 3 लोग बैठे थे, मोबाइल जेब में गिर गया जी। फिर क्या हुआ? फिर पूछा मैंने 5-7 मिनट के बाद, हमने भैया तुम्हारे खीरे पर मेरा मोबाइल गिर गया यार, खीरा छाते समय काम नहीं जानते। हमका 2 लोग और जो बैठे थे वो कहाँ हैं, वो दुकानदार ही अगल बगल के रहे, तो उसमें से एक आदमी आया तो हमने उनसे नाम पूछा, हमने कहा भैया आपका नाम क्या है, तो कहता है MUNNA, तो हमने कहा मुन्ना, तो कहना हाँ। तो फिर उसके बाद उसने अर्दर दिया कि देखो एक चीज़ सुन लो, हमने पिताजी का नाम पूछा, पिताजी का नाम नहीं बताया उसने, कहा कि देखिए कोई कानूनी कार्यवाही करिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा, हम बहुत खतरनाक आदमी हैं। हम कहा हाँ भैया होंगे। तो उसका नंबर लिया नहीं? कह भाई नंबर तो दे दो अपना। मेरा नंबर नहीं उसका, वो जो मुन्ना MUNNA, वो अपने बाप का पिता का भी नाम नहीं बताया, नंबर कहाँ पर है वो खीरे वाला इस समय? मार्केट लगती सर काजीपुर में। कहाँ पर? ये काजीपुर बाजार है चरवा में। कितनी दूर है? चरवा में नहीं सर, जीटी रोड की बात में कर, जीटी रोड पर है जी। लगाइए जरा SHO चरवा को, कौन सी हो में आके चौकी इंचार्ज लगाइए, मंगा सर। हाँ, चौकी इंचार्ज मंगा। चौकी इंचार्ज को बताया आपने ये बात? जी हाँ। लाया वो पकड़ के उसको? वो अभी पूछना जरा चौकी इंचार्ज को, वैसी घटना घट गई, वो जी नहीं मिली, वो परेशान था। अभी मोबाइल मिला आपका? नहीं मिला। नहीं सर, सबसे पहले जो है इनकी FIR पंजीकृत करें, या मिसिंग रिपोर्ट, ये किसी ने निकाला था या गिर गया आपने? आप गिर गया तो या इसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए उसमें, सर्विलांस किया जाता है अभी करेंगे, सर्विलांस पे लगाएंगे इसका रजिस्ट्रेशन। ऐसे कोई भी केस आए तुरंत UP कॉप पे, या तो इनके साथी से करा दीजिए इससे, या अपने ही सही, अपने यहाँ जो बैठते हैं शिकायत प्रकोष्ठ वाले, उनको चाहिए कि जो UP कॉप है उस पर इनका रजिस्ट्रेशन कर दें। तो सबसे पहले इनके मोबाइल का भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए उसमें, मिसिंग में उसकी फ़ोटो का वो दे दीजिएगा, इनको स्क्रीनशॉट दे देना, या बाद में इनको जिस नंबर पर कहेंगे उसको भेज देंगे अपने रिश्तेदार के नंबर पर।
उसके बाद उसको लगवाइए IMI रन वगैरह करा के आप जो नेक है किसके पूछिए वो पकड़ के लाया MUNA को। दादा कहाँ घर है आपका? मेरा घर सर वही केसरवानी ढाबा, केसरवानी ढाबा के पास है ठीक सामने। आप अमित से मिले थे? नहीं नहीं मिल पाए, नहीं मिल पाए, इतना बिजी थे वो। मैं सर अभी करवा ले रहा हूँ, उसको मिल नहीं पाई वो, इतना बिजी थे कि वो। चलिए आपका मोबाइल अभी दिलवाएंगे और इसको भी पकड़वाएंगे जिसका नाम आपने बताया ना, इसको भी पकड़वाएंगे। ठीक है, क्या हुआ सर? 13 तारीख को मेरे पकड़ा गया घटना घटी मेरे घर। मैं इलाहाबाद में रहकर TGT की तैयारी करता था सर जी, और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करता हूँ। मेरे घर में घुसा था तो पता मिलने पर शोर शराबा किया गया, तो सब काफी 8-10 लोग घर दरवाजे बाहर आ गए थे। मेरे पापा को फोन किया कि पापा आज हम तो यहाँ पे हम जो है फंस गए हैं। तो उसका पापा आया, हमारे घर वालों को गाली गलौज करके अपने लड़का को जबरदस्ती लेके चला गया। ये आया क्यों था आपके यहाँ? अब पता नहीं क्यों आया सर जी, ये घर में आया था, पकड़ा गया है। घर में कौन कौन रहते हैं आपके? मेरी पत्नी वाले घर में गया था सर जी, दो बार थाने पर सर जी। मैं क्या जान पहचान है आपकी इसकी पहले से? इससे किससे? इससे अमित से। क्या जान पहचान? का लड़का है। आपने सूचना कहाँ दी? चौकी पर दी, थाने पर? थाने पे दिया हूँ, दो बार प्रार्थना पत्र दे दूंगा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूछिए भाई जी, थाना प्रभारी कौशाम्बी से पूछिए, ऐसे मामलों का संज्ञान लेते क्यों नहीं ये लोग? प्रार्थी के परिवार वालों की जगह प्रिय घटना घट सकती है। तो जब ये नहीं यहाँ पर सुनते तो उसके बाद वहाँ पर CO साहब वगैरह से किसी फ़ोन वगैरह लिखे रहते हैं ना सबके नंबर जी, तो वहाँ कब पूछे कर, बता दिया करो, शिकायत कर दिया करो। वहाँ SP साहब का भी नंबर लिखा हुआ है। और इनकी पत्नी कह रही है कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो लड़का घुसा है, जबकि ये मौके पर मौजूद नहीं थे। पत्नी का वीडियो बयान सकते हैं। कहाँ रहती है पत्नी आपकी? घर में रहती है सर। आपके घर में जी? वो लड़का आपके घर में घुसा आके? जिस समय लड़का घुसा था सर जी, हमने 112 नंबर को भी फोन किया, 112 नंबर जब तक वो गाली गलौज देकर हमारे घर वालों को लेकर निकल गया था। और उस कौशाम्बी थाना में 12 बजे रात को उनके पास मैंने फोन किया कि सर आप मेरे घर में जाके देख लीजिए ये हाल है। दोनों पास में फोन किया था कि आज मेरे घर में घटना घटी है, आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। पकड़ के लाएगा, आपके सामने पेश करेगा लड़के को? ठीक है, और इनकी पत्नी से आप फोन से बात कीजिएगा, पूछिएगा क्या है इसलिए। ठीक है, आज कराते हैं गिरफ्तारी। ठीक है, थैंक यू। शांति देवी, मिथिलेश कुमार नहीं आए आपके साथ? हाँ, साथ आए हैं साथ में। हाँ, साथ में। जैसे कोई साथ में आता तो उसे भेज दिया करो। हाँ? क्यों ये गाली क्यों देता है आपको? ये इसका हमारा विवाद चल रहा है सर, इस चिड़ता हमसे बहुत है। पहले भी कोई मुकदमा आपस में लिखा गया है एक दूसरे के खिलाफ? कोई FIR आपने या उसने लिखाई है एक दूसरे के खिलाफ? सर जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था तो हमको पता नहीं था, मैंने इसी के नाम FIR करवा दिया था। तो क्या हुआ फिर उसमें, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई? सर उसमें तो एक्सीडेंट था, हमको सर जानकारी नहीं थी उसमें हुआ क्या था, क्योंकि हमको पहले से धमकी दे रहा था इसी तरह। तो कभी वहाँ गए हो? चौकी पर गया था। ये SDM के यहाँ कोई लगी पेशी वगैरह आप लोगों की? नहीं नहीं सर। इससे पता चलता है कि सर ये नहीं किया होगा इन्होंने, पाबंदी की होगी जब आपस में विवाद चल रहा है। ये खुद ही कह रहे हैं कि विवाद चल रहा है, गाली गलौज दे रहा है। NCR है, NCR दर्ज करने में NCR कीजिए, 107 ले कार्रवाई कर दीजिए। गाड़ी खड़ा कर देता है, गाड़ी खड़ी कर देता है, तो किस दिन बड़ी घटना हो जाएगी। पढ़ाई दिखा था, पढ़ाई नहीं पावता, हमें फिर से गाली गलौज कर रहा था। हमारे घर में कोई राहत नहीं, हमारे आदमी खत्म हो चुके हैं, काफी चक्कर में। और साथ में उसका 151 जरूर कर देना। अब ये तो आपके पास आया, वो आया नहीं है, उसे पकड़ के 151 कीजिए, अपने आप 107 और पाबंद, ये सारी कार्रवाइयाँ हो जाएंगी। चौकी पर एप्लीकेशन दिया हुआ साहब, कोई जवाब नहीं मिला। कराते हैं, पकड़ पाएंगे उसको। अरुण कुमार बताइए क्या, कब? 21 जून को सर थाने में तहरीर दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने CO साहब को ही फोन करके अवगत कराया, उसके बाद सराय अकिल आपका है जी सर।
है जानकारी है इनके मामले की? अरुण कुमार पुत्र स्वर्गीय सुरेश चंद जायसवाल निवासी ग्राम बुद्धपुरी कस्बा का है, चौराहे के मामले से। मतलब कुछ नहीं हुआ सर। ये किराया जी इसी ने किया कब्जा? हाँ। तो किराया दे रहे थे इसे? जी। कब तक का दिया किराया? अप्रैल तक का दिया सर। फिर उसके बाद हमने इनको अप्रैल में चेक से किराया दिया, क्योंकि ये बार बार पलट जाते हैं कि हमको किराया नहीं देते। उसके बाद उन्होंने कहा हम किराया चेक से नहीं लेंगे, नगद लेंगे। बस सर इतनी बात। ये कबाड़ की दुकान जो आपका सामान है वो कहाँ गया? वो सब उसी में था सर, अब गायब कर दें क्या कर दें, आए दिन रोज धमकी देते हैं सर कि मरवा देंगे। अभी ताला खुलवाया जाएगा तो उसमें माल मिल जाएगा आपका? हमारी उसमें एक गाड़ी भी थी सर। कौन सी गाड़ी है? यामा, वहीं पर है अभी? वहाँ थी, अब है कि नहीं है मुझे पता नहीं। 2011 सर, हमने जमीन किराए पर लिया है, मकान पूरा हमारा निर्माण कराया हुआ है, हमारा पैसा लगा है। ये कहा गया था जब हम खाली कराएंगे तो आपको पैसा दे देंगे, हमारा पैसा भी नहीं दिया सर आपको जब के लिए। जयसवाल आप अभी वहाँ पहुँचिए, क्या आप केसरवानी भी लिखते हैं साथ में? जायसवाल है, जायसवाल है। तो वहाँ मौके पर कोई देखने नहीं आया, कोई सिपाही? चार दिन थाने में बुलाया गया, चार दिन टॉर्चर किया गया सर, लेकिन थे। चलिए अभी थाने पहुँची, अभी आपकी FIR भी होगी, आज ही सामान मिलेगा आपको, कब्जा भी मिलेगा वहीं। ठीक है, पहुँचिए जाइए सर। पेशे से हम यहाँ जिले में पत्रकार हैं, स्पष्ट आवाज दे रहे हैं। तो फिर तो आपको जो है अधिकारियों से मिलना चाहिए, आपको यहाँ SP साहब को बता देना चाहिए, तो तभी। कौन है, बात कराइए मेरी। हाँ बताइए। जय हिंद, बताइए क्या है इनका, अरुण कुमार का मामला? ये पत्रकार भी हैं। हाँ सर, हाँ। दोनों लोगों को आमने सामने बैठा के हम बात देखिए। ठीक है, क्या बात हुई बताओ। अरविंद पटेल आया, रुकिए अभी, रुकिए अभी, आपने सामने बैठा के बात हुई आपकी? वहाँ बैठा दिए, कहा कि आप बोलना नहीं, बोलना नहीं। जब वो बोल चुके उसके पहले हम बात की, हमको दोनों को सर अंतिम में चौथे दिन ऐसे करके फिर भेज दिए। सुनते रहो, ऐसा करने के बाद भेज दिए, पहले उनको भेज दिया आप जाइए। अब वो उन्होंने हमारा ताला तोड़ा है, उनको कुर्सी में बैठा। चलिए आगे आगे बताइए। ठीक है, जब उनको बुलवाए दोनों को आदमी को आमने सामने, तो उनका ये कहना था कि इनको हम किराए पर दिए थे, ये हमको किराया करीब 50-60 हज़ार रुपया नहीं दिए हैं, इनको हम नहीं रखेंगे, हम ताला नहीं तोड़े, हम वीडियो बना के रखते हैं। एक शटर में इनका ताला बंद था, एक में नहीं बंद था, दूसरे में वो वीडियो बनाते हुए ताला बंद कर लिए, अपना ताला खोल लिए। अंदर ये कह रहे थे कि हमारा वो तराजू है अंदर एक और उसकी कोई गाड़ी है, उनसे हम कहे खोल दीजिए अपना वो निकाल दें, पैसा भी ले लें, हम हिसाब कर लें, हमको पैसा दें या ना दें, लेकिन इनको हम किराए पर नहीं दें। निकाल लिया इन्होंने सामान, निकाल लिया अपना, उसके बाद ये आए नहीं। आपने कोई कार्रवाई की? 107, 116, 151 कुछ किया? इनकी गलती थी तो इनको बंद कर देते उठा के, अभी जाकर इनका वहाँ कब्जा कराओगे वापस जैसा था, 107, 116 कार्रवाई करोगे, 151 में उसे बंद करोगे। ये बात समझ में आ गई? जब तक ये थाने पहुँचे तब तक ये काम हो जाना चाहिए। इनको चाबी दे दोगे, जैसा है वैसा चलता रहेगा, उसे खाली कराना तो सिविल कोर्ट्स में जो है जाके मुकदमा डालेगा, तब खाली होगा मकान। गुंडागर्दी करा रहे हो थाना में है बैठ के, वहाँ अभी कीजिए जाके पहुँच के। अगर नहीं हो तो आज बता दे, मुझे बताइए, अभी सस्पेंड करूँगा इसी साथ, मजाक बना दिया बिल्कुल थाने पर। पहुंचिए आप अभी वहाँ बैठिए। एक जमीन रोड के किनारे थी, तो उसमें इनका पति बीमार थे कैंसर की बीमारी से, तो उसने के लिए ये 20,000 रुपये एक वहाँ प्रधान थे, प्रधान थे, तो उनसे 20,000 ये उधार ले करके और रोक दिया, तो उसके एवज पर इनके ऊपर ब्याज निकाल कर 1 साल के अंदर 80,000 दिया है। कि कहाँ से दे पाओ, तो इन्होंने कहा हमसे खेत ले लें। अब 5 बीसवा साल खेत इनको दिया गया, तो वो बैनामा जो लिखा है राब इसमें नीचे लगा है, उस बैनामे के आधार पर वो नहीं ले रहे हैं,
और एक ये प्रार्थना पत्र के दूसरे पन्ने पर फर्जी लेख पत्र लगा के इससे अंगूठा करवाने में भूल गए, बाकी वो लगा है सब सारे मौजूद। और ये चौकी थाने से तो ब्याज है 3 बार आप ही के कार्यालय से यहाँ साफ कर दिया गया। और ये देखिए रात दिन उसमें दौर चलता रहा और पुलिस जाती तक नहीं रही भाई। और ये पूरे उसमें फैलाए हुए हैं ईंटा गिट्टी बालू सब। अब बात जबरन इनको अब उल्टा और उनके ऊपर कहना है इसमें कष्ट है, जबकि बेचारे 4 बीघा खेती में मकाई उकाई अट्टा बट्टी बोए साहब तो सींच नहीं पा रहे हैं साहब, पुलिस वाले रोक रहे हैं, जबकि स्टेज में नहीं निर्णय हो चुका है ATM महोदय के यहाँ से सब कुछ है, मगर अब इनको ये ईंटें किसकी हैं, आपकी पड़ी हैं किसकी हैं? नहीं ये सब विपक्षी के हैं। विपक्षी की हैं जी। वो क्या करना चाह रहा है इसमें? मकान बनाएगा वो रोड के आड़ी आड़ी की जमीन कब्जा कर रहा है और इस तरह इन्होंने दिया है उस तरह नहीं दे रहा है। और जिस उसी तरह बैनामा लिखा है तो साहब जिस तरह नहीं तो जो बैनामा लिखा है जैसा उसमें तो नक्शा बनाया गया होगा। हाँ, तो उसी तरह बुला ही लेंगे। तो आप थाने पर जो थाना दिवस होता है उस पर गए थे? तो टीम कोई गई वहाँ मौके पर? गई टीम कोई नहीं। अब कल की रात इनकी जितनी बकरी नहीं सब उठा ले गए रात की। थाना सैनी आपका जबकि उनकी गलती नहीं है। किसकी गलती नहीं है? थाने वालों की सर। अच्छा। उन्होंने फोन भी किया है सर, मगर जो पहले यहाँ थे चौकीदार तो उनको हटाया गया है साहब, उनके बाद दूसरे आए हैं वो बहुत सज्जन हैं, वो बताए हैं थाने वाले कि वो तुम्हारे निर्णय करेंगे, मगर उनसे मिलने नहीं देते सिपाही लोग। सिपाही लोग चौकीदार से नहीं मिलने देते? तो सिपाही हैं वही आके और डांट फटकार इनको किया करते हैं, बीट के भी लगे हैं। हाँ जरा बीट वालों को तलब कर लीजिए। देखिए सर रात में काम चलता था, फोन किया जाता ये सबसे पहले उसका काम रुकवाइए, कोई काम नहीं होगा जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा पहली बात। दूसरा एक पक्षी है, अगर लग रहा है इनको ज़्यादा मजबूत है तो इनको भी कर देना। हाँ दोनों को थाना दिवस के आज ही कहिए उसको, सैनी को आज क्या कर रहा होगा उसकी जानकारी में है, अपने दोनों बीट कांस्टेबल को बुलाए, चौकी इंचार्ज को बुलाए, आज ही हल करेगा इसको। दोनों लोग बस 2-3 और ले आओ तब तक। हाँ हमारा मकान छबली में था वो सत्यनारायण त्रिपाठी ने हड़प लिया था। थाने में कहीं सुनाई नहीं हो कि हमारी माँ मर गई साहब, हमको भी लकवा मार दिया, कहीं सुना नहीं होती त्रिपाठी सब। ये भी वही है क्या अभी जो आई थी एक शिकायत? जी सर। अभी क्या नाम बता रहे थे उसकी जिसके बारे में बात हो रही थी, उसने घर घेर लिया उसका? कौन सा माध्यम बोलते थे? जन सूचना वाला। अच्छा ये आप इन्हीं के साथ आए हो क्या जो अभी आए? सर ये हमारा है पारिवारिक कारणों से वहाँ रह रहा है, पुश्तैनी पक्का मकान मौजा रक्सौली में है। रक्सौली का प्रधान है जी सर, जिसमें प्रार्थी ज्यादा लगाकर मकान के गांव के को इसको चाबी दिए रहता था। इसने रक्सौली अपने रिश्तेदार से मदेश कुमारी को बैनामा कर दिया, ताला खोलकर कब्जा दे दिया। बैनामा कोई अधिकार नहीं। अब इसने जो फर्जी बैनामा बिना मतलब बिना अधिकार के घर इसका है बैनामा वो कर रहा है, 420/67/68 सब लग जा दीजिए, उसे उठा के बंद कर दीजिए इसी केस में। उसमें सर बैनामे का कागज भी लगा हुआ है। या तो शाम तक इसमें रिपोर्ट लीजिए और या FIR कायम करके कार्रवाई कीजिए। नेक्स्ट बैठिए अभी करेंगे कार्रवाई। आपको फ़ोन जाएगा CO साहब का बताएंगे। बैठिए तोबा आलम बताइए क्या हुआ। जी सर हमारे पिता के मरने के बाद हमारे भाई हमको बहुत परेशान कर रहे और हमारे अपने हिस्से की ज़मीन बिना बंटवारा किए बेच दी। ये बीच में आनंद कुमार कौन आ गया? आनंद कुमार ये ज़मीन लेने वाला है, ये लिया है बिना बंटवारे के खरीद लिया है। नहीं तो वहाँ थाना दिवस पर नहीं रखा ये मामला? जी थाने एक बार गया था वहाँ बोले अप्लीकेशन लेके आओ, जब अप्लीकेशन ले बनवाने गए तब तक इधर हमारे जो है शौचालय तोड़ दिए अंदर घुस के जबरन।
ये थाना मंजनपुर का है जी सर। तो थाने पर नहीं लिखाई है इसकी कंप्लेंट? नहीं दिख रहा आपने? नहीं कंप्लेंट नहीं दी सर। ये रिपोर्ट सभी में आएंगी, जिसमें आदमी आता रिपोर्ट सब में मांगेंगे आप, हम लिखें या ना लिखें रिपोर्ट के लिए, हाँ सभी मिलेंगे। चलिए आज कराते हैं मंजनपुर, ये आप मिल लेना अभी सीओ साहब से, अभी आप थाने जाएंगे इसके बाद ये काम समाप्त करने के बाद मंजनपुर बैठेंगे थोड़ी देर, जो भी है आप मंजनपुर में मिलना है एक घंटे बाद ये कराएंगे। बताइए क्या हुआ सर? मामला ये है कि हमारे गांव में एक तालाब है बड़ा सा, उसमें से एक नाला निकला हुआ था, अभी प्रधान जी ने उस नाले को पटवा के रोड बनवा दिए हैं। ये भी वही है और सर ये क्या सारे आपस में ये सब आपस में क्या आप लोग नहीं कोई, सर, ऐसी कोई बैठक हुई है उसके बाद आए सब? नो सर ऐसी कोई प्रधान के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर रही है आपको? नहीं नहीं सुनो जी, नियम है उसका कि आप, मैंने एप्लीकेशन दिया है सर, एफिडेविट पे आप देंगे, मैंने लेखपाल साहब को भी कहा था, लेखपाल साहब ने कहा कि वो चपरोड नक्शे में दर्ज है लेकिन नाले की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो दबंग आदमी है, एक गुंडागर्दी कर रहा है प्रधान है और सर, सीधा उसमें कुछ जरूरत नहीं है उस, वो उसके लिए है कि खड़ंजा लगा रहा है, पंचायत घर बना रहा है, कुछ प्रधानी के काम कर रहा है, ये थोड़ी कि किसी की जमीन उठा के बेच दे रहा, उसके लिए एफिडेविट की क्या जरूरत है? उसके काम में उसके काम को छोड़ दिया, बारिश हो गई तो बहुत गांव में दिक्कत आ जाएगी निकलने के लिए भी, आप ठीक है उसके लिए तो आप नहीं पाएगा सर। आप थाना दिवस पे या तहसील दिवस पे जब भी आप बैठे डीएम साहब के साथ इसे हल कराएगा जी सर। आप जो है अभी आएगा थाना दिवस बात कर लीजिए, तो इस बार थाना दिवस पर आप जो है इसको कराइए, शनिवार को आप पहुंचिएगा ठीक है। जब ये आ गया बताइए क्या हुआ सर? मेडिकल सर माता जी का हमारे हो गया है, मारपीट हुई थी सर, इस पर सर इसमें सर मेडिकल हमारा हो गया है माता जी का, और मेडिकल रिपोर्ट सर यहाँ आ गई है सीओ साहब के पास, सीओ साहब ने उप निरीक्षक महोदय को जैन गुप्ता को सर उनको बुलाया भी था, यहाँ पे डाटा भी है उनको, लेकिन वो सर वो मेडिकल रिपोर्ट लेके जो कार्रवाई वो नहीं कर रहे सर, वो मेडिकल रिपोर्ट लेके आरोपी को दे दिए हैं, अब वो हमको धमका रहे हैं कि 308 लिखने के पहले हमने समझौता कर लो और नहीं तो उनकी सर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 10-12 लोग हैं और सब दारू भट्टी में कमाते हैं बालाघाट में, हाँ सब इलीगल पैसा आता है सर, हम लोग किसान लोग हैं सर, चाचा मास्टर हैं, एक चाचा पुलिस में सर। ये झगड़ा किस बात पर हुआ था? ये सर झगड़ा हुआ था जमीन थी सर, उसमें हम लोग का इनका समझौता हो गया था गाँव के लोग और रिश्तेदार मिल के, उसके बाद जब इनका घर बन गया है तो ये सिविल में मुकदमा भी दायर किए हैं, उसके पहले ये लोग मारपीट किए हैं हमारी माता जी के साथ, तो सर माता जी का सर फाड़ दिए हैं, मेरा हाथ सर बायां वाला फ्रैक्चर कर दिए हैं सर, और उसमें सर कोई कार्रवाई मतलब 325 हो गया सर, उसके बाद सर कार्रवाई नहीं हुई, टहला रहे हैं सर। ये कार्रवाई है 9/4 की घटना है, बताइए आप बताइए बैठ के बताओ क्या क्या कहना है बताओ। ये पहले इसमें एनसीआर लिखा गया था, एनसीआर के बाद इन्होंने दस्तावेज, एक तो नियम बना लीजिए ये सुन लीजिए सर, और सारे SHO को बता दीजिए तमाशा ना करें, जिसमें खुली चोट है NCR नहीं लिखी जाएगी, बता दीजिएगा, सिर में चोट है NCR नहीं लिखी जाएगी, FIR लिखी जाएगी, ये तमाशा ना बनाए इस चीज का। उसके बाद क्या कार्रवाई की? अब ये 7वां महीना चल रहा तब से क्या कार्रवाई की उसने? इसमें सर 325 टर्मिन करके फाइल कोड भेज दी गई थी, फिर टीबी सप्रू वहाँ से सर यहाँ से रेफर नहीं किया गया था, मूल दस्तावेज था उसमें सिटी स्कैन में कुछ नहीं आया था, टीबी सप्रू में कहीं से आपका हुआ उसके प्रकाश में उन्होंने पुनर्विवेचना के लिए सर रिक्वेस्ट करी सर, तो वो फाइल CGM साहब के यहाँ से सर आके वापस विवेचना के लिए 308 टर्मिन करने के लिए गई सर जिला अस्पताल। ये बताइए चोट का या उसका होना कि उसमें अंदर जो है इंजरी है नहीं है ब्रेन में कुछ है, ये जरूरी है क्या 308 के लिए? नहीं सर वो ये जरूरी नहीं, अगर 308 में अगर किसी ने लठ मारा ऐसा करके जोर से और वो बच भी गया तो भी 308 है जी सर, 308 लगाने में दिक्कत क्या है इसमें? पहले से दूसरा उसने मेडिकल कैसे दे दिया उनको, कैसे सौंप दिया, जो एक सरकारी दस्तावेज है जो विवेचक के पास रहना चाहिए वकील उसके पास कैसे पहुंच गया? आईओ ये दबाव बना रहा है कि ये समझौता कर लें,
बुला के उसका जो निलंबन जारी कर दीजिए। अगर ये बातें जितनी इन्होंने बताई हैं, जितनी बातें ये आ रही हैं सत्य है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा उसे झटका दीजिए एक ही बार में, हाँ जो निलंबित हो जाना चाहिए शाम तक। सर माता जी का सर देख लीजिए झगड़े की बात करते सर, हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे झगड़े का, क्योंकि हम लोग बहुत कम लोग थे झगड़े की बात के सर। इसमें एनसीआर लिख दिए कमलेश कुमार जी सर, हमसे लिखवाए हैं, तुम अपना दिमाग मत लगाओ जिसमें हम कह रहे हैं उतना लिखो। इसमें पी दीजिए ठीक है ना। दूसरा उससे पूछिए, उसने अभी तक कोई अरेस्टिंग का प्रयास किया या उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी इसके बारे में कुछ लिखा उसने? नहीं सर, अभी सर 5 दिन पहले ही सीजीएम के यहाँ से सर फाइल, तो सीजीएम के यहाँ से, उससे पहले मान लिया 308 नहीं भी था, 325 थी सर, नहीं तब क्या किया उसने कार्रवाई? 151 की है। 151 होगा, धारा 41 का नोटिस दिया, कॉल किया उसने? चेक करके बताइएगा मुझे, ये आप यही देखेंगे केस डायरी में सभी लिखा नहीं लिखा। 110 जी में चला मिनी गुंडा इस पर पहले से लगी हुई है, इसका मतलब इसके खिलाफ पहले से भी कोई लिखा हो गया होगा, अपराध होगा। 93 में सर इनका झगड़ा हुआ था, कौर का हाथ बनिए का हाथ तोड़ डाले थे 93 में। कराइए इसकी जो है जमीन, कोई बात नहीं, जमीन लिए साहब परेशान करे, जब मंदरती थाने पहुंचाते है साहब लोग आगे परेशान करे। तो आप थाने गए थे? नहीं, श्रीमती साहब जाती हैं। आपकी श्रीमती जाती हैं? हाँ। तो आपकी बन नहीं रही आपस में परिवार में साहब? हाँ है। थाने में दिया है प्रार्थना पत्र? नहीं, करारी में। हाँ। क्या कराया है उन्होंने? रिपोर्ट दिया साहब बसों का। ठीक है, कराएंगे, थाने से आएगा आदमी। ठीक है, जाओ बताइए क्या हुआ सर। मैं मुझे बेहोश आ गया, गिर गया, मेरे बच्चे जाते थे पढ़ते पढ़ने, तो उनको आधा ईंटा लेके चहेटते थे, पुरानी दुश्मनी थी जमीन की, तो मैं गया, भाई क्यों चहेटते मेरे लड़कों को, क्यों मारते हो मेरे लड़कों को, तो मैं इतना कहा, कुल्हाड़ी दिए बांस काटता था, मुझे मार दिया, फिर मार दिया, गिर गया तो बांस मार दिया, फिर मेरी लड़की देखती थी, फिर सुटाने गई, फिर उसको मार दिए, फिर हो गए, फिर थाने वाले कहीं नहीं ले गए, वहाँ सिरातू भेजे मुझे अस्पताल, वो टैक्सी से भेजे ना थाने वाले गए, फिर वहाँ से रिफर किया, फिर कड़े वाले में भेजे, फिर वहाँ से रिफर किया, यहाँ भेजे मेडिकल गया सर, गाली गुत्ता देता है। इसमें FIR तो होगी आपकी सैनी में? हाँ, सैनी का मामला है जानकारी में? इनका कहना 307 बढ़ाई जाए, 308 बढ़ाई जाए। ये हैं कौन देखेंगे? CO तो देखेंगे, मारने को थाने जाता तो भगा देते पुलिस वाले, डांट के चल तुझे नहीं मारेंगे, अभी कराते हैं इसमें गिरफ्तारी कराएंगे। ये लीजिए, ये आपको जो है आप एक बार पढ़ लो, आज कराएंगे, और इसमें निर्देश जो है आपने आप इस समय जाकर निर्देश दे दिए, ठीक है, ये आपको ही जाएगी एप्लीकेशन, अभी चली जाएगी, आप अपनी डायरी में नोट कर लो, तब तक ये CO साहब हैं, अभी कराएंगे, आज ही कराएंगे कार्रवाई। देख लिया उसका सबको चोट लगी है, इसमें ये समुचित धाराओं में ऑल्टर कराइए इसको, और गिरफ्तारी भी कराइए जिसने इतनी मार लगाई है, उनके भी लगी है चोट, दूसरे पक्ष को भी। हाँ, से उसके बांस लग गए उसके भाई के, उन्होंने मुकदमा कायम करा है, उनका भी लिखा गया है, ये चेक कर लेना, एग्रेसर देखना कौन है। ठीक है, आज कराएंगे शाम तक। खुदिया हमारा घर बटा हुआ है, तो वहाँ गए थे थाना? थाने में नहीं गए सर, शनिवार को जाइए, शनिवार को ये काम होगा, ठीक है। मेरा ये देखिए शिकायत प्रकोष्ठ, जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ TSD थाना समाधान दिवस पर हल कराएं, सबसे पहले उनके रजिस्टर में इसको एंटर करा दीजिए, ये आप सबको बताइए, जैसी एप्लीकेशन यहाँ आई है, ये नहीं कि उस दिन का इंतजार करेंगे, उस दिन एप्लीकेशन आएगी तब चढ़ेगा, यहीं सर उनसे पूछिए क्रम संख्या बताइए भाई किस पर चढ़ाया ये नाम, और यहाँ लिख दीजिए क्रम संख्या थाने का ये, ताकि इंश्योर हो जाए कि इनका वहाँ नाम चढ़ गया। और दूसरा एक अपने नंबर की, अपने यहाँ की जो शिकायत प्रकोष्ठ की अपने फ़ोन नंबर का इनको पर्ची दे दिया करो,
कि अगर आपको कोई शिकायत आए शनिवार को तो हमें संपर्क कर लीजिएगा, ये समझ ये बना लो तरीका। आप अपने यहाँ भी अपनी पेशियों में भी जब आपके पास कोई आता है आवेदक तो उसके लिए यही काम करेंगे, उसको अपने पेशी का जो भी आदमी डील कर सकता है, हर फोन आप नहीं अटेंड कर सकते कि भाई अब अगर आपको शनिवार को कोई दिक्कत आए तो हमें यहाँ पर फ़ोन कर लीजिएगा। अब उस नहीं तो सारे फ़ोन आपके पास आएंगे। अभी बाहर मिलके जाना, ये आपको एक नंबर देंगे और शनिवार को थाने पहुँचना। महमूद आलम बताइए क्या हुआ सर। हमारी भूम भरी ज़मीन है उस पर मतलब भूम भरी पे एक साल हो गया सर, और बार बार मतलब अप्लीकेशन डीएम साहब को दिया, एस डी एम साहब को यहाँ भी दिया, जांच को लिखे चार चार बार लेखपाल नाप दिए, निर्माण कार्य किए जा रहा जिसको रुकवा दिया गया, प्राथमिक समाधान से संतुष्ट हैं, संतुष्ट हो गए थे नहीं सभी लोग, उपस्थित प्राथी के हस्ताक्षर ये करा लिए गए, अजीत कुमार लेखपाल ने जाके जब ये मामला हल कर दिया, आप क्यों समस्या आ रही है? नहीं हल, वहाँ पे कब्जा नहीं हटाया गया हमारे भूमधरी में, जो कब्जा किया कब्जा नहीं हटाया गया, फिर एप्लीकेशन दिए दोबारा फिर नाप हुआ है। सह खातेदार अंकित है, हाँ हमारा छह भाई है, सीमांकन कर दिया गया है, दूसरी रिपोर्ट है, तो सीमांकन हो तो गया, हो गया लेकिन कब्जा नहीं है आपका सर। चलिए इस बार शनिवार को टीम भेजेंगे, पूरा शनिवार को भी सर गए हैं तो वहाँ से टीम गई नहीं गई, टीम पूरी गई है, नाप दिया भूमधरी में, सिर्फ कब्जा नहीं हटता, हम थाने में कई बार गए हैं लेकिन वहाँ पे कोई नहीं जाते लगा। देखिए इसमें जॉइंट टीम भेजिए, साथ का करा और उसकी जो है वहाँ से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके ले आए, अगर वो उसके बाद में फिर जो है बदमाशी करता है तो अब उस पर मुकदमा कायम करें। ये देख लिया सर थाने में कैसे आठ आठ बार थाने में दिए हैं, अब मौके पर रात के काम करते हैं, आज भी काम, कल रात की भी जुड़ाई किया उसने, और ये रात का काम तो बिल्कुल बंद है, रात का काम तो चोर का काम है, रात ही के काम करते हैं। देखें उसे हिदायत भी दीजिए और ऐसे मामलों में पाबंद जरूर कराइए। जयसवाल है, जयसवाल सिमिरचा हल्का में है, कम से कम कैमरा में मोबाइल लिए जैसे चार पिलर था, फिर खींच के आए रात के पिलर पर गए, फिर दूसरे दिन गए। ये महमूद आलम इनका गांव है छिमिरछा जी, गांव छिमिरछा, ये है थाना करारी, करारी थाना छिमिरछा का जो भी बीट कांस्टेबल है उनसे भी रिपोर्ट लिया करो, ये सबकी जिम्मेदारी तय कीजिए, ये काम सारे बीट कांस्टेबल्स के काम है जो बीट में जाकर आराम से कर सकते हैं। 15 साल वहाँ प्रधान भी दूर रहा सर, सिर्फ झगड़ा के लिए हो ही रहा है, मतलब हम लोग वहाँ नहीं जाते, अगर रोकने चले जाए तो झगड़ा नहीं, नहीं आप मत जाइए, आप केवल जो या तो 112 में फ़ोन कीजिए, अभी वैसे नोट करा दे रहे हैं, धीरे धीरे करके सब शनिवार को ये काम हो जाएगा, शनिवार को आप जो है संपर्क में रहिए, यहाँ शिकायत प्रकोष्ठ वाले आपको नंबर देंगे। जाइए विमला देवी, हाँ बैठ के बताओ क्या हुआ। जमीन इसके नाम पर बैठ जाओ भाई, तो उसमें न्याय नहीं डालने दे रहे लोग, गुंडाई करते हैं, हम बहुत परेशान हैं, हर जगह जो है एप्लीकेशन दे चुके, ऑनलाइन कर चुके। कौन से थाने पर दी थी एप्लीकेशन आपने, किस थाने पर दी थी एप्लीकेशन? यही सब मंझनपुर लगता सर, कि पाता की जमीन है ये, राविंदर फौजी की ज़मीन वहीं पर है आसपास। हाँ जी, ये क्यों रोकते हैं? यही सब जो डिपो नया बन गया है इसी के सामने है सर, जहाँ पार्क बनने का आदेश हुआ बन रहा उसी बगल में है, तो गुंडई लोग करते हैं, उनकी भी ज़मीन है लेकिन वो कहते हैं आपकी ज़मीन, उनकी कुछ ज़मीन बता रहे हैं कि कम है, तो हमारी ज़मीन में कब्जा करने की दूर वाला है, 10 धूर कम कर रहे हैं सर, 5 धूर 10 धूर इन्होंने दे दिया है, वहाँ पर कम है तो इनका 10 धूर कम हो रहा है, और औरों का भी थोड़ा। आपने कि आपकी पुश्तैनी ज़मीन है या आपने खरीदी है? हमने खरीदी है के नाम पर। मंझनपुर थाना, ये तो आपकी जानकारी में है इनका प्रकरण? वो कल इनकी बेटी आई थी, विधवा है ना, बिमला देवी वो आई थी सर, उसको 10 धूर 2 बार सर प्रभारी साहब, नहीं तो नाप के मान लिया कम है, कम कम भी है तो सबकी कम हो रही होगी, कम हो रहा तो जिस जिसकी कम हो रही है इनको बता दिया जाए कि भाई इतनी कम है, बताइए जो है जमीन की, ये हुआ कि आपकी जमीन, मेरी तो जमीन पूरा है, 3 बार नापी गई, लेकिन जो लास्ट में खरीदा है उनकी जमीन शायद कुछ कम है,
तो वो कहते हैं कि ये जमीन से मेरा जमीन नहीं, तो आपने चार दीवारी वगैरह करा रखी है पहले? सर मेरा रजिस्ट्री है। नहीं रजिस्ट्री है, वहाँ बाउंड्री करा रखी है, बाउंड्री वगैरह कर ली है, कब्जा ले लिया उस जमीन का? अभी कब्जा क्या ले गया, मैं ही कब्जा नहीं, वही लोग नहीं दे रहे, नहीं लेने देते। परसों जेसीबी खुदवा रहा था, रुकवा दिया। कौन खुदवा रहे थे? आप खुदवा रहे थे? हाँ अभी खुदवा रहे थे नया, तो फौजी के भाई जो है पहले ही देखना ये क्या है। सबसे पहले ये देखा कीजिए, जब ये बता रहे हैं कि ये आदमी आमदा झगड़ा फसाद होता है, दूसरा ये कह रहे हैं कि ये जो है जान माल की धमकी देता है, बहुत भी बात कर रहा है। विपक्षी गण दबंग शोरे पुस्त गुंडा किस्म का गिरोबंद भू माफिया है, क्या ये है? इसके इसके ऊपर कोई केस है पहले? नहीं सर जी, बिटिया को असद निकालने की कोशिश कर रहा था। ये चीज देखने की है, ये देखिए ऐसा तो नहीं है कोई क्रिमिनल हिस्ट्री वाला आदमी यहाँ पर, वो भू माफिया टाइप का आदमी यहाँ आकर वो फिर प्लॉटिंग कर रहा है। ये चेक कीजिए, अभी देख के मुझे पूछ के ये बताइए किनके यहाँ का, किसका थाना का? ये सर पुत्र वासदेव सिंह रामचरण का पूर्वा, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री कितनी है? और गौतम सिंह अभी अब के ये शनिवार को हल होगा, पैमाइश वगैरह हो जाएगी, वहाँ नाप करके देंगे। और ये अगर ये है, अगर इस पर क्रिमिनल हिस्ट्री पहले है तो ये गाली गलौज करने के इसके बारे में FIR लिखी जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, कराएंगे। एडिशनल SP साहब से मिलना, इनको पूरी जानकारी। सुगीता देवी